पुष्पा इम्पॉसिबल के हैं। अश्विन और दीप्ति के दोनों को स्वागत है। जिस तरह आपके शो सब टीवी पे एक अपना स्थान बना चुका है, पूरा फैमिली को एकदम होते हैं ना ऑल ओवर देख सकते, बूढ़ा हो बच्चे हो सबको दिल में राज कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि शो में इतनी प्यारी आप, इतनी खूबसूरत हो, इतने स्मार्ट आप रणवीर सिंह हो, हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का क्या चल रहा है माहौल घर में, क्या है इसका स्माइली जो है ना जानलेवा है आपका अश्विन जी। ये बस कवरिंग है कि तेरी तारीफ दिल से की और मेरी जिसकी भी कर ही देता हूँ। नहीं ना 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 और क्या, जानना चाहते हैं हम आपका कि क्या चल रहा है। दो भाई है और घर में दो बहू है, ऊपर से माँ जो बीच में पीस रही है, किसके साइड ले, उस लेफ्ट जाए फिर भी खतरा, राइट जाए फिर भी खतरा है, तो माँ पीस रहे जानना चाहते हैं। नहीं, मुझे जो बीवी मिली है वो बहुत ही सॉर्टेड है, तो ये बहुत ही कंसिडरेट है, ये समझने वालों में से दोनों पक्ष समझती है, तो कभी अश्विन को दीप्ति से ये इशू नहीं हुआ। हालांकि जो एक और कैरेक्टर हमारे शो में जो मेरे छोटे भाई की बीवी प्ले कर रही है प्रार्थना, उनका जो कैरेक्टर है उसने थोड़ा टर्मोइल, थोड़ा झिझक थोड़ा क्रिएट किया हमारे, स्पाइसी दी है शो में, स्पाइस दिया हमारे शो को, हमारी फैमिली में। तो हम लोग अलग भी हुए थे जो अभी टीवी पे चल रहा है, तो हमने वो डिसीजन लिया, हम लोग रिग्रेट भी कर रहे हैं, हमने आगे शूट किया जहाँ हम लोग वापस भी आ गए। तो एंड ऑफ द डे पुष्पा को सेंटर में रख के ही हम चारों को सोचना पड़ेगा। तो हमने भी इसमें भी वही किया कि जहाँ मम्मी खुश रहे, क्योंकि मम्मी एक गोंद है जो हम सबको जोड़ के रखती है, मम्मी का खुश रहना, उसका सुखी रहना बहुत ज़रूरी है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, एक नारी के ऊपर लिखा है कि नारी का संघर्ष कभी हार नहीं मानना चाहिए, शो में इसी के लिए दिखाया चाहिए, बच्चे हो बुरे चाहे आप क्यों ना हो, शो में हमेशा ये दिखा है डिफरेंट कि नारी हमेशा कमज़ोर समझती थी, अपने आप को कमज़ोर ना समझे, चाहे बिजनेस के तौर पे हो या घर के तौर पे हो या राजनीतिक पॉलिटिकल हो, हर जगह कहीं ना सक्षम दिखाया है। और क्या चल रहा है शो में, दोनों चीज़ें अनुसर आपके लिए एग्जैक्टली अभी वही सारे सीन जा रहे हैं जहाँ पे यू नो दीप्ति का कैरेक्टर अभी तक आप लोगों ने जैसे देखा है कि मतलब दीप्ति ऐसा फील भी कर रही है एट द सेम टाइम बीच में कि मतलब हर जगह से उसको कंप्लेन की जा रही है कि तुम घर संभालो या तो बच्चा संभालो। तो ये जो एक बिलीफ है लोगों का जो अभी काफ़ी हद तक कम हो गया है डेफिनेटली, बट इस शो के थ्रू हम ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि जो ये बिलीफ है औरतों को लेकर कि या तो तुम सिर्फ घर संभालो या तुम अपना ऑफिस वर्क देखो, दोनों तुम नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे दीप्ति जिस हिसाब से सॉर्टेड है और समझदार है और हर चीज़ों का बैलेंस अच्छे से जानती है, तो उस हिसाब से शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि वो दोनों चीज़ें संभाल पाए। बट एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे उसके लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो उसकी फैमिली भी लूज़ कर रही है। हम दोनों जैसे नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं, बट उसके दिमाग में काफ़ी ऐसे सारे थॉट्स हैं कि वो मिस भी कर रही है अपनी फैमिली को, वर्क भी है, फिर सोना को भी संभालना है। और आप जैसे एपिसोड्स में देख रहे हो कि मेरी जो मॉम बनी है सोनल मॉम, तो वो अभी काफ़ी टेक केयर कर रही है बेबी का, सोरा का, और हम दोनों ध्यान रख रहे हैं हमारे ऑफिस लाइफ का और वो घर का ध्यान रख रही है। बट एक टाइम भी ऐसा आता है जहाँ पे वो इस डिलेमा में रहती है कि मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर आऊँ और मैं कर पाऊँगी कि नहीं। बट डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है कि आजकल ऐसा कुछ है नहीं कि जेंडर वाइज आप सिर्फ यू नो एक लेबल कर दो कि लड़की है तो वो यही चीज़ कर सकती है और लड़का है तो वो यही कर सकता है। तो वो इस शो के थ्रू हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां दोनों चीज़ बैलेंस आराम से कर सकती हैं, और ये दीप्ति डेफिनेटली आई वाले एपिसोड में करते हुए दिखाई भी देगी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देख रहा आपकी वाइफ के साथ अच्छे बॉन्डिंग है कि बहुत सारे घरेलू ऐसी योजना होता है टीवी सीरियल में, रियल लाइफ में भी होता है, जब भी पति पत्नी काम करता हो कुछ न कुछ हो मतलब प्रॉब्लम क्या ऑफिस में होता है, आपके दीप्ति के साथ भी हुआ, आपको बहुत चीज़ पता होने के बाद भी कि बॉस भी ऐसा है ये भी ऐसा इग्नोर करते हो, इसका फीलिंग समझते हो, एक दूसरे को कॉपरेट करते हो, तो कैसे आप समझना चाहते, क्या मैसेज देना चाहते हो जो बाकी लोग जो है? मुझे क्या लगता है ना, हमको औरतों को कम नहीं समझना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको औरतों को प्रोटेक्ट करना है, वो करना है कि हम लोग फिजिकली स्ट्रांग है, बट वो थॉट आपका प्राइमरी थॉट नहीं होना चाहिए कि मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। जब आप इस भावना से ऑपरेट करते हो कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो आप ऑलरेडी उस इंसान को वीक मान चुके हो। आप मन में रखिए कि हाँ मुझे प्रोटेक्ट करना है जस्ट बिकॉज मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ। अगर हम जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ बिना किसी स्ट्रेस के, मैं संभाल लूँगा, तो लड़कियाँ भी उसी थॉट से निकलती हैं। जब मर्द उस पर ये ऑब्लिगेशन डालता है कि नहीं तुझे ध्यान रखना अपना, वो करना ये करना, हम अपना फियर उन पर डालते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को हटा दें और उनको उनके हिसाब से ऑपरेट कर दें, आई थिंक वो सही रहेगा, तो चीज़ें भी सही रहेंगी, आपका रिलेशनशिप भी सही रहेगा। हमारा जो प्राइमरी थॉट होता है किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ वैसे ही ऑपरेट होती है। तो अगर आप फियर ना करके एक बराबरी इक्वालिटी
और लव से ऑपरेट करेंगे अपनी फीमेल के साथ जो भी आपकी लाइफ में, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रह सकता है। आखिरी में रक्षाबंधन आ रहा है, क्या मैसेज है? पहला रक्षाबंधन याद है आपको? पहला रक्षाबंधन आपको याद फटा से बता दीजिए। मेरा तो अभी रक्षाबंधन मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ घर पे, बट हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई डोंट नो कैसा जाएगा, और उसमें से कोशिश यही है कि 2 घंटे मिल जाए। लाइक एंड हाँ, मैं तो घर से दूर रहता हूँ, तो मेरी बहन ने मेरी बहन ने राखी कुरियर की हुई है, तो मैं वो जब मुहूर्त है 19 तारीख को तो मैं पहनूंगा। तो मेरी यही थी कि स्ट्रेस होता था कि क्या दूँ उसको, पैसे कमाता नहीं था और ऐसा कुछ था नहीं, और हमेशा फिल्मों में देखता था कि भाई अपनी बहन को गाड़ियाँ गिफ्ट कर रहा है, बड़े बड़े फ़ोन गिफ्ट कर रहा है, ये गिफ्ट कर रहा है, तो वही सपना रहता था कि क्या मैं भी अभी कभी ऐसा कर पाऊँगा। हाँ, काबिल बन रहा हूँ अभी तो, हाँ इस बार कुछ स्पेशल दूँगा अपनी। या आप इतने अच्छे हो कि आपका मुस्कान ही आपको बहन का दिल जीत जल रहा होगा। नो डाउट, आई होप इन पुष्पा इम्पोसिबल आप इसी तरह चलता रहे और आपका प्यार मासूम जो चेहरा है सबको दिल पर राज करे। आप आपका पूरा नाम टीवी से बॉलीवुड तक। हाय, मैं हूँ नवीन पंडिता, अश्विन पटेल पुष्पा इम्पोसिबल से, आप मुझे देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड तक। प्लीज़ अपना प्यार बरकरार रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।